अस्सलाम वालेकुम ऐसा आप देख रहे हैं एक बहुत 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 ही बड़ा फीचर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से लाइव हुआ है रिसेंटली। अब उसके बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसको समझना और देखना और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँ कि ये कैसे बना, और उससे पहले आपको चैलेंजेस बताऊँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप HHC को भी साइड करें, आप डायरेक्ट काम करते हैं, तो पाकिस्तान में जितने प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी से ड्रॉप शिपिंग कैटेगरी के हैं वही HHC भी अवेलेबल है, इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप HHC को साइड करते हैं तो आपको एक एक पीस उठा के अगर आप चेक करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो टाइम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हेयर स्ट्रेटनर है, ठीक है, वो 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वो गर्म होने में ले सकता है। ठीक, और फिर उसको चार्ज करना है, कभी कभी चार्ज नहीं है कोई प्रोडक्ट्स, तो 3-5 मिनट पर प्रोडक्ट चेक करने पे अगर आप लगाओ और 500 पीस का अगर आप स्टॉक उठाओ, आपको आइडिया हो जाएगा कितना खतरनाक मसला हो जाएगा आपके लिए सिर्फ प्रोडक्ट एक पीस चेक करना। ठीक है, इसके अलावा अगर चलो वो प्रोडक्ट जल्दी भी चेक हो जाता है, उसमें कोई इशू निकलता है, तो फिर आप सप्लायर के पास जाना, उसको चेंज कराना या उसको क्लेम करना या उससे बात करना, हर सप्लायर के अलग अलग मामलात होते हैं, तो उससे की सारी डीले करना, फिर ये एक अलग हैक्टिक है। ठीक है, तो HHC के पास जो सोल्यूशन आया है वो आप सबका ये काम आसान कर देगा। ठीक, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब इस क्लेम सिस्टम को बनाने के लिए हमने 5 महीने पहले कोशिश शुरू कर दी थी। ठीक है, 5 महीने पहले इस सिस्टम की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, वो ऐसे क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है हमने पहले डिसाइड किया, हमने सोचा कि भाई अब कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन होता है पब्लिक में, नॉर्मली जो प्रैक्टिस की जाती है वो रिव्यूज़ का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब रिव्यूज़ HHC पे नहीं चल सकते, इस बात को समझना ज़रूरी है, फॉर रिव्यूज़ का सिस्टम HHC पे फेल है, अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ड्रॉपशिपर जिसने इतनी मेहनत से प्रोडक्ट हंड किया है, एक बड़ी मेहनत लगती है प्रोडक्ट हंड करने में, अक्सर लोग इसको पार्टी नहीं समझते और फिर बोलते हैं हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, तो बड़ी मेहनत से प्रोडक्ट हंड होता है, तो प्रोडक्ट हंड करने के बाद उसको क्या पड़ी है कि वो जाके इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ देंगे और बाकी लोग को अट्रैक्ट करें। ठीक है, मेजॉरिटी ये काम नहीं करेगा, मेजॉरिटी चाहेगा इवन उसका अब्यूज़ कर सकता है सिस्टम को, कि वो उसमें बैड रिव्यूज़ डाल दे कि भाई ये बैड रिव्यू है, ताकि कोई और उस पर काम ना करे और वो अकेला करता रहे, अब्यूज़ हो सकता है। हमारे यहाँ पब्लिक में एक सेक्टर है पूरा जो कोई भी अवेलेबल सिस्टम को अब्यूज़ करता है। ठीक है, तो रिव्यूज़ यहाँ पे वायबल नहीं है इस सिस्टम में, इस मार्केट में, इस कैटेगरी में, स्पेशली सिंपल वर्ड्स HHC में। ठीक है, तो उसके बाद हमने सोचा कि यार कंप्लेंट्स जितनी लॉन्च हो रही हैं उसको जज कर सकते हैं, तो फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कंप्लेंट लॉन्च करने वाली जो नॉन रीजनेबल कंप्लेंट लॉन्च करती हैं, और उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाए तो या तो प्रोडक्ट वो चल जाता है या वो कंप्लेंट रीजनेबल नहीं होती, उसमें हमें जज करने का हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो एक वो चीज़ नहीं है। तो फिर हमने वेरीफाई किया या हमने डिसाइड किया कि कौन सा पार्ट है जहाँ पे वेरीफाई हो कि ये प्रोडक्ट में वाकई मसला है, तो वो है कि जब कंप्लेन अप्रूव हो जाती है तो आपका एक्सचेंज या रिफंड अप्रूव होता है, तो ये दोनों को हमने एज अ क्लेम कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हमने बोला अब क्लेम जो है वो हमें जमा करना चाहिए चाहिए सिस्टमेटिकली, कि हर प्रोडक्ट में रिकॉर्ड सेव होना शुरू हो जाए कि इस प्रोडक्ट के इतने क्लेम गए, इस प्रोडक्ट के इतने क्लेम गए। तो वहाँ से आज से 4-5 महीने पहले हमने ये सिस्टम क्लेम का बनाना शुरू किया, फिर आप लोगों ने भी पोर्टल में देखा कि आपको क्लेम्स अलग से नज़र आने शुरू हो गए, क्लेम का रिकॉर्ड मिलने लग गया, सप्लायर्स को उनके क्लेम का रिकॉर्ड मिलने लग गया, क्योंकि सप्लायर्स को भी रिटर्न में अगर कोई माल वापसी जाता है तो वो भी क्लेम हम जो है वो अपनी जेब से भरते हैं। तो अब वो क्लेम का सिस्टम जब बना तो फिर रिकॉर्ड जमा होना शुरू हुआ, और इस पूरे प्रोसेस को 4-5 महीने लगे, और लगना भी चाहिए थे, क्योंकि रिकॉर्ड जमा करना एक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि दिन में कितनी कंप्लेन है वो सारी कंप्लेनें जमा होंगी, तो एक दिन में तो नहीं आपको पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा सारा। तो आप लोगों ने कंप्लेंट्स की, हमने क्लेम्स अप्रूव किए, एक्सचेंज अप्रूव किए, रिटर्न्स रिफंड्स अप्रूव किए, तो वो सारे क्लेम्स जमा हो गए। अब जब क्लेम्स जमा हो गए तो हमारे पास एक सिस्टम में रिकॉर्ड जमा हो गया प्रोडक्ट्स का और सप्लायर्स का, कि किस सप्लायर्स पे कितने क्लेम अप्रूव हुए हैं और किस प्रोडक्ट पे कितने क्लेम अप्रूव हुए हैं। ठीक है, इस बात को बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। तो फिर हमने इसको रेशो बना के, परसेंटेज बना के अप्रूव कर दी, परसेंटेज बना दी। ठीक है, अब परसेंटेजेस आपको 2 किस्म की रेटिंग्स शो हो रही हैं, एक PDR है और एक SDR है।
ठीक है। पीडीआर का मतलब प्रोडक्ट डिससेटिस्फेक्शन रेशो, और एसडीआर का मतलब सप्लायर डिससेटिस्फेक्शन रेशो। अब इसमें समझना है आपको पीडीआर क्या है और एसडीआर किस तरह से चल रहा है। पीडीआर ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में 100 ऑर्डर्स हैं, ठीक है 100 की सैंपल बता रहा हूँ, ऑर्डर्स अक्सर ज़्यादा ही होते हैं बड़े चलने वाले प्रोडक्ट्स के, जिस समझाने के लिए 100 ऑर्डर्स हैं, 100 में से 2 ऑर्डर आईडीज ऐसी हैं जिस पे क्लेम अप्रूव हुआ है, चाहे वो एक्सचेंज का हो, चाहे वो रिफंड का हो, चाहे वो ड्रॉपशिपर को अप्रूव हुआ, चाहे वो सप्लायर को अप्रूव हुआ। फॉर एग्जांपल पार्सल रिटर्न भी अगर हमारे पास डैमेज आता है तो सप्लायर नहीं लेता वो, ठीक है। आपको लगता है ना कि ये क्वालिटी का हम लोग बड़ा नॉन सीरियस है, हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि हम वो पैसे भरते हैं हर जगह, सप्लायर नहीं लेता वो माल, जब सप्लायर नहीं लेता तो उसका क्लेम बनता है, तो वो क्लेम भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है इस बात को समझिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस टॉपिक के बाद इसी वीडियो में, तो वो अभी हमारे उसमें रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ये सारे क्लेम आपको परसेंटेज की सूरत में नज़र आते हैं कि अगर 100 ऑर्डर हैं और उसमें 2 ऑर्डर ऐसे हैं जिस पे क्लेम अप्रूव हुआ है, चाहे जाते हुए, चाहे वापस आते हुए, चाहे रास्ते में कुछ भी हुआ है, कहीं मसला हुआ है उस प्रोडक्ट में, चाहे वो ख़राब भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, वो मिसिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें टोटली सप्लायर ब्लेमेबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया हो गया कि इस प्रोडक्ट पे काम करते हुए 2% ऑर्डर्स में इश्यूज फेस होते हैं जहाँ कस्टमर मुतमईन नहीं होगा, ठीक है। अब ये 2% रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड से मुराद इसकी कंप्लेन की गई है, इसका डील किया गया है, कुछ कस्टमर कंप्लेन भी नहीं करते तो उससे नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो 2% अगर क्लेम है तो फिर आप माइंड में बनाएं कि 2% आपको कस्टमर अप्रोच करेगा कि भाई ये पार्सल सही नहीं मिला, या जो भी हुआ, जो भी मामलात हुए वो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से मिल जाएंगे। इस तरह ये एक प्रोडक्ट की रेटिंग जो है सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट पेज पे शो होगी वो पीडीआर और प्रोडक्ट डिससेटिस्फेक्शन रेशो के हिसाब से शो होगी, और वो परसेंटेज आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट में कूद रहे हैं और उसका मार्केट में किस तरह का रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये चीज़ आप डेटा से आप सब फ़ायदा उठाएंगे। अगली बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं सप्लायर डिससेटिस्फेक्शन रेशो एक्सप्लेन कर दूँ। इस तरह इस सप्लायर के टोटल ऑर्डर्स देखे जाएंगे सप्लायर डिससेटिस्फेक्शन रेशो में, और उसमें कितने परसेंट ऑर्डर्स पे क्लेम रिलीज हुआ है, चाहे किसी भी फेज़ में हुआ हो, ठीक है, जाते हुए हुआ हो या आते हुए हुआ हो, चाहे वो HSC की मिस्टेक हो, चाहे वो सप्लायर की मिस्टेक हो, चाहे वो कुरियर की मिस्टेक हो, आपका मसला हुआ है तो वो डिससेटिस्फेक्शन में, आपको नहीं भी हुआ क्योंकि वो रिटर्न में अगर डैमेज आया लेकिन प्रोडक्ट डैमेज आया तो फिर जाते हुए भी उसमें डैमेज ही होना था मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो भी डिससेटिस्फेक्शन में आ जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने परसेंट इस सप्लायर के ऑर्डर्स में मसला है, क्योंकि आप कुछ आप इसके बाद इस चीज़ को इमेजिन करें कि पूरी पब्लिक जब इस सिस्टम को ऑपरेट करेगी तो सारे लो क्वालिटी या इश्यूज़ वाले प्रोडक्ट खुद खुद फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे, सबको अच्छे प्रोडक्ट मिलने जाएंगे। इस पर मैं डिटेल से बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ, बड़ी ज़रूरी है और समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने सप्लायर ने माल अच्छा दिया, प्रॉपर दिया, हमने उसको बहुत अच्छे से पैक किया, और कोरियर से फॉर एग्जांपल कोरियर के किसी राइडर ने वो माल चोरी करके अंदर कोई चीज़ फेंक डाल के कंसाइनी तक पहुँचा दी, ठीक है, तो इसमें रेटिंग्स लाना क्यों जरूर, इस ये रेटिंग ये भी काउंट होता है इसके अंदर। तो इसमें जो है वो जब सप्लायर का फॉल्ट नहीं है तो उसकी रेटिंग क्यों ख़राब हो रही है, अब इस बात को बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। आप HSC को भूल जाए, ठीक है, आपने नया नया ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपको किसी ने मशवरा दिया, अबे भाई ऑनलाइन जो है ना वो गैजेट्स बहुत चलते हैं, स्मार्ट वॉचेस बहुत चलती हैं, ख़ासतौर पर सस्ती वाली, ठीक है, मैं जानबूझ के ये कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने उसने किसी ने आपको मशवरा, आपने काम शुरू किया, आपने जब काम शुरू किया तो जब आप देखोगे ना कि इस कैटेगरी में कितने ज़्यादा कितनी सेंसिटिव कैटेगरी है, इसमें नॉर्मल से कितने ज़्यादा पार्सल एक्सचेंज अप्रूव होते हैं या चोरी होते हैं या उसमें मसले मसाइल आते हैं, अक्सर लोगों को चलाना नहीं आ रहा होता सिर्फ, या चार्ज भी नहीं करके देखते वैसे ही वो बोल देते हैं ख़राब है, बहुत सारे मामले आते हैं जो सिर्फ इस कैटेगरी में एक्सेसिव है, ठीक है। ये फैक्ट है कि गैजेट्स की कैटेगरी में आपके खर्चे ज़्यादा होने हैं, ठीक है, सेल ज़्यादा आई तो खर्चे लॉसेस भी ज़्यादा होने हैं क्योंकि उसमें चोरी भी ज़्यादा है, उसमें बाकी मामला भी ज़्यादा हैं, ख़राब होने के मामला भी ज़्यादा हैं, अगर आप लो क्वालिटी में काम कर रहे हैं तो क्लेम बढ़ जाएगा। अब जब क्लेम ने बढ़ना है तो इसका मतलब सिंपल है कि कस्टमर मुतमईन नहीं हो रहा, ठीक है,
आप कहीं ना कहीं और खर्चा लगा रहे हो और आपका भी लॉस है। तो किसी भी वजह से अगर मसले आ रहे हैं तो वो मसले एट द एंड फेस आपको होने हैं ना, तो इसीलिए उसको रेटिंग में इंक्लूड रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक आइटम अच्छा है लेकिन चोरी ज़्यादा हो रहा है और उसके क्लेम ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो आपका कस्टमर मुतमईन नहीं है, आपको लॉस है इस चीज़ का, और उस चीज़ को रेटिंग में लाना ज़रूरी है और हम लेके आए हैं। ठीक है, तो रेटिंग्स को जज करते हुए ये जज करना ज़रूरी है कि वो बन कैसे रही है, समझना आपको ज़रूरी है। तो ये आपको मैंने समझाया डिटेल से। अब इमेजिन करें, पूरी पब्लिक इस सिस्टम को यूटिलाइज़ करेगी जब, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आप लोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज पाकिस्तान में ये एक प्रोसेस है जिसको आप यूटिलाइज करें, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सेलिंग करेंगे अपने अपने स्टोर्स पे, तो जस्ट इमेजिन आहिस्ता 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 सारे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। इससे बेनिफिट सबका होगा, पूरे पाकिस्तान का बेनिफिट होगा। कैसे? कि वो सप्लायर वो प्रोडक्ट अवॉइड करेगा क्योंकि उसकी रेटिंग गिरेगी, ड्रॉप शिपर वो प्रोडक्ट अवॉइड करेगा क्योंकि उसका कस्टमर ख़राब होगा। 4 साल से पाकिस्तान की मार्केट में जो कचरा इंपोर्ट हो रहा है बार बार, क्योंकि उसी की आप लोग डिमांड करते हो, वो डिमांड बंद हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कोई भी उसको इस तरह से जज नहीं कर पा रहा है कि उसका लॉस कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, क्लेम कितने हैं, खर्चे कितने हैं, कंप्लेन कितनी है। वो बार बार उसी की डिमांड आती है, वही इंपोर्ट होता है, बार बार वही बिकता है, और बार बार ये चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं। और अगर कोई अच्छी क्वालिटी ले भी आता है तो पब्लिक नहीं खरीदती क्योंकि वो फिर महंगी होती है कंपेरेटिवली, क्यों, देखने में प्रोडक्ट सेम है। मैं आपको एग्जाम्पल से एक और समझाता हूँ। आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, पहले जब हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, आज HSC पे कोई भी हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं है, सारे सप्लायर्स के हैं, पहले हमारे होते थे, हम इंपोर्ट करते थे, 2.5 साल 3 साल पुरानी बात है। तो आपने, अगर जो एक्टिव लोग हैं उनको पता है, क्रिस्टल लैम्प एक होता है जिसको टैप करने पर नीचे रोज शेप में शेडो आता है। ये सबसे पहले हमने इम्पोर्ट किया था जब पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट नहीं था। मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार बहुत लोगों को दे चुका हूँ, मैं बार बार दूंगा। तो उस टाइम इस प्रोडक्ट की होलसेल थी 2200 रुपये, अच्छी खासी थी, ठीक है। लेकिन आज उस प्रोडक्ट की होलसेल, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट कहने को सेम है, लेकिन उस प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट की होलसेल 1000 या 1200 या 800 रुपये तक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का इंपोर्ट नहीं हो रहा जो हमने किया था पहले। लेकिन कंपेयर करने जब आप बैठेंगे तो दोनों की पिक्चर जो ऑनलाइन मिलेगी आपको वो सेम मिलेगी। हमने जब इम्पोर्ट किया था उसका इतना बड़ा जो साइज था, भारी भरकम क्रिस्टल मटेरियल था और कोई क्रिस्टल इफेक्ट दे देता था वो। अब जो आ रहा है वो छोटा सा है, लाइट वेट है और प्लास्टिक का है, 2 दिन में डल हो जाता है, ठीक है। तो कैसे जज करोगे आप? HSC के अलावा आप क्वालिटी को फिल्टर आउट करने का मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक आप लोगों से या पब्लिक से ये फिल्ट्रेशन नहीं हुई है, ये हम करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप लोग सपोर्ट करोगे और सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, आप इमेजिन करो, 4-5 रेटिंग्स हम चला रहे हैं, 4-5 रेटिंग्स, ठीक है। एक सेचुरेशन रेशो की रेटिंग है, वही सेचुरेटेड प्रोडक्ट 5 साल से इम्पोर्ट हो रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि आप लोग वही बेचते हो, फिर जब रिटर्न बढ़ता है फिर आप लोगों को लॉस होता है। तो जब आप सिस्टम यूज़ करेंगे और जो प्रोडक्ट सेचुरेट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे सेचुरेशन रेटिंग में, तो आप लोग यूज़ करना छोड़ दोगे, या जो स्टिल उसमें डिलीवरी शो अचीव कर सकते हैं वो यूज़ करेंगे, बाकी नया बच्चा तो नुकसान से बच जाएगा ना। तो सबका फ़ायदा है, ओवरऑल पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर ट्रस्ट बढ़ेगा। जो लोग अक्सर लोगों के जहन में इस तरह की भी ओपिनियन होते हैं कि ट्रस्ट का मसला है तो ये ड्रॉप शिपिंग और ये और वो नहीं होनी चाहिए, भाई ये तरीका है काम का। इससे आप जब डेटा हमारे सिस्टम में फीड करोगे, कंप्लेंट्स का, चीज़ों का, रिटर्न्स का डेटा फीड हो रहा है, कस्टमर्स के लोकेलिटीज़ का डेटा फीड हो रहा है, नंबर्स का डेटा फीड हो रहा है, हम आपके फ़ायदे के लिए वो डेटा इस्तेमाल करके आपको रेटिंग्स बना बना के दे रहे हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। आप इमेजिन, जस्ट इमेजिन, पूरी पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर रही है, फॉर एग्जाम्पल, या ऑनलाइन स्टोर चला दिए थोड़ी देर के लिए, जैसे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करें। और अब आपका हमारा विजन, हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारे मकासद थोड़े थोड़े समझ में आना शुरू होंगे। अभी तक तो आपको लग रहा था कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, अब जरा गौर से समझें, पूरी पब्लिक सिर्फ HSC के थ्रू काम करती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे सप्लायर्स जो माल लेट करते हैं फिल्टर आउट हो गए, बल्कि ऑलरेडी काफ़ी सारे हो गए OTR रेटिंग से, क्योंकि जो लेट करेगा उसकी OTR रेटिंग ड्रॉप होगी, जिसकी OTR रेटिंग ड्रॉप होगी उस पर आप ऑर्डर नहीं लगाओगे क्योंकि उसका ऑन टाइम रेशो नहीं है,
और वो लेट दे कर सकता है, वो सप्लायर फिल्टर आउट होगा। जो सप्लायर जबान के पक्के नहीं है, ऑर्डर ले लेते हैं, माल कैंसिल कर देते हैं, उनकी SCR रेटिंग ड्रॉप होगी, तो आप लोग उसको ऑर्डर नहीं दोगे तो आपके वो वाले सप्लायर फिल्टर आउट होगा। जो सप्लायर वही सैचुरेटेड माल बार बार इंपोर्ट करके बेच रहा है तो वो माल सैचुरेट हो जाएगा, काफ़ी बड़ी तादाद उसमें ऑर्डर नहीं लगे। कुछ लोग स्टिल उसमें काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनको तरीका अलग से आता है, मैं भी उनसे सीखूंगा कि वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, लेकिन अक्सर और बेशतर उसमें फेल होते हैं। तो सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करोगे, एक नया बच्चा खास तौर पे उसका बच गया लॉस, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, जब डिमांड कम हुई तो सप्लायर उसको इम्पोर्ट करना बंद करेगा, ठीक है। इसके बाद जिस प्रोडक्ट में कंप्लेन ज़्यादा है या चोरियाँ ज़्यादा हैं या मसले ज़्यादा हैं, उसकी भी डिमांड कम होगी, इसकी भी इम्पोर्ट कम हो जाएगी, आपके इशूज़ कम होगा उससे भी। अब जितना अब इमेजिन, जस्ट इमेजिन, पूरा पाकिस्तान ये सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जब फिल्ट्रेशन होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट ये होगा, आपको बेहतरीन सप्लायर मिलेगा जो कैंसिलेशन भी नहीं करता, आपको बेहतरीन सप्लायर मिल रहा है जो टाइम पे भी दे रहा है, आपको बेहतरीन सप्लायर मिल रहा है जो क्वालिटी भी मेंटेन कर रहा है, आपको बेहतरीन सप्लायर मिल रहा है जो सैचुरेशन रेशो भी मेंटेन है जहाँ पे, या बेहतरीन सिस्टम मिल रहा है जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट फिल्टर आउट हो रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा किसका हो रहा है? सप्लायर का भी हो रहा है कि अब वो प्रोडक्ट उतार रहा है जिसका उसको पता है कि ये इन सारे पंचायत से आज़ाद है। आपका फ़ायदा हो रहा है कि आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें मसले कम है, ठीक है। कंसाइनी का फ़ायदा हो रहा है कि उसको मसले, जिस पाकिस्तानी आवाम है उसको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इन सारे मसलों से आज़ाद है, ठीक है। उसको जैसे मैंने गैजेट्स की एग्जांपल दी, ठीक है, वो बिकता तो बहुत है लेकिन उसमें कस्टमर भी नाराज़ हो रहा है कि माल चोरी हो रहा है, उसमें स्टाफ भी नुकसान उठा रहा है हमारा, आप भी नुकसान उठा रहे हो कि आपका इमेज ख़राब हो रहा है, सप्लायर भी नुकसान उठा रहा है कि उसके इतनी पंचायतें फेस करनी पड़ रही हैं, बार बार क्लेम्स करने पड़ रहे हैं, सारे आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ तक चोरी का मामला है, मैं उसको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन डाल दूँ, भाई मैं बुखार बनूंगा कुरियर का, मैं बनता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, लिमिटेड है इतना ज़्यादा, उसमें मैं ज़्यादा डेटा फाइनलाइज नहीं कर सकता, पब्लिक नहीं करता, लेकिन हम अपने 100% एफर्ट कर रहे होते हैं, जैसे पिछले 5 महीने से क्वालिटी पर आप लोग बात कर रहे हो और हम लोग जो है वो पीछे पीछे काम करते जा रहे हैं, आप लोग को बोल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आपको पता लग गया। तो इस तरह से हमारे हाथ में कोरियर की चोरी कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना सप्लायर के हाथ में। हाँ, प्रेशर दिया जा सकता है, वो भरपूर होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक कैटेगरीज में चोरियां ज़्यादा हो जाती हैं, हम डेटा से देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप उस कैटेगरीज को अगर आप फेस कर सकते हो खुल्ला खुल्ला हाथ के हाथ, रिफंड आप कस्टमर्स को दे सकते हो, कूदो करो मुतमइन कस्टमर को, हो सकता है आपका नाम बन जाए, ठीक है। तो ये सारे मामलात होते हैं, तो इस पे एक अलग वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैसे HSC का सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में इंडस्ट्री ओवरऑल इम्प्रूव कर रहा है और इसके लिए पूरी कोशिशें कर रहा है, इसमें पब्लिक जितना अब सिस्टम में डेटा इनपुट करेगी, जितना इस सिस्टम में काम करेगी, इसका फ़ायदा पूरी पब्लिक को ही होगा। ये होता है विजन, ये होता है अप्रोच, ये होती है सोच, ठीक है। तो खुदा का वास्ता है, इस प्लेटफॉर्म को कभी किसी से कंपेयर करने की ना गलती भी नहीं करना, ठीक है। ये सोच, ये विजन, ये बगैर सिस्टम के नहीं होती। सोच तो छोड़ें, किसी के पास सिस्टम का S भी नहीं है, जिससे कभी कभार गलती से लोग कंपेयर करने का सोच लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये रेटिंग्स आपको पसंद आएंगी प्रोडक्ट क्वालिटी की, और इससे पहले आप जज कर लेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर दी, मैं इसको क्लेरिफिकेशन दे दूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिस पर PDR नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये आपकी गलती है। कैसे? क्या आपने उस पर ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं दिए? फॉर एग्जाम्पल, किसी पे अगर PDR नहीं आ रहा ना, प्रोडक्ट डिससेटिस्फेक्शन रेशो, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि उसमें नॉट इनफ डेटा है, क्योंकि रेशो देने के लिए एक हद तक डेटा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के 2 पार्सल हैं, 2 में से 1 रिटर्न और 1 डिलीवर्ड है, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे 50% रिटर्न है। मार्केट में ये भी अलग कन्फ्यूजन बच्चे क्रिएट कर देते हैं जो कच्चे होते हैं। जब तक 50-100 ऑर्डर नहीं करता, स्टेबल रेटिंग आप नहीं जज कर सकते। हो सकता है वो किसी वजह से भी 1 रिटर्न हो गया, वो अगले 10 में वो मसला ना हो। एवरेज आता है वो 50, 100, 150, 200, 500, 1000 के बाद आता है, तो जितना डेटा ज़्यादा होता है, जब लिमिटेड डेटा होता है किसी प्रोडक्ट में, तो उसमें हम जो है वो डिससेटिस्फेक्शन रेशो शो नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग उस पर लगाओ ऑर्डर्स, आप कंप्लेंट्स जब आएंगी तो लॉन्च करोगे, जब हमारे पास से क्लेम अप्रूव होंगे या डैमेजेज आएंगे या चोरी होंगे तो वो क्लेम सारे बनेंगे, तो आपको रेटिंग मिल जाएंगी। अब ये आपका काम है, हम तो अपना विजन लेके आ रहे हैं, हम तो अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, सपोर्ट करना पाकिस्तानी आवाम को, अब पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म को और इस सोच को, इस विजन को, जिसमें सबका भला, सबकी खैर, सबका फ़ायदा, सबका प्रॉफिट, सबकी खुशहाली, ये सब मद्देनज़र रखा जाता है। इसको अब सब अप्रोच करना, सपोर्ट करना, ये अब आप लोगों की साथ साथ जिम्मेदारी बनती है। हमसे जो हो रहा है, हम साथ साथ बड़े डिटेल में गाइड भी कर रहे हैं, कोर्सेज भी बना रहे हैं,
समझा भी रहे हैं, जो ऑनलाइन कोर्स हमारा लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, कोई पे ट्रेनिंग नहीं है, वो लोग कुछ भी बना देते हैं, कोई पे ट्रेनिंग हम नहीं दे रहे, सिस्टम बना रहे हैं, डेटा जमा कर रहे हैं, उस स्टाफ को और गाइड कर रहे हैं, और रेटिंग दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो समझने वाले लोग हैं ऑलरेडी हमसे बड़े मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उम्मीद है और लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और अच्छा फीडबैक होगा उनका। और बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं हम देख रहे हैं इंशाल्लाह, उसको भी हम साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं बैक एंड पे। आप लोग इतनी टेंशन नहीं लिया करो, हम लापरवाह नहीं है, ठीक है, हम 100% दे रहे हैं। तो वीडियो में इतना काफ़ी है, बहुत लंबी हो गई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।